मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पीएमसी बैंक घोटाले के बाद अब एक और घोटाले का अंदेशा जताया जा रहा है। डोंबिवली के गुडविन ज्वेलरी स्टोर में हजारों निवेशकों के करोड़ों रुपए फंस गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इस गुडविन ज्वेलरी के दो स्कीमों में भारी भरकम लोगों ने निवेश कर रखा है और अब ये ज्वेलरी स्टोर 21 अक्टूबर से बंद बताई जा रही है। इस स्टोर के मालिक भी फरार हैं, जिनका नाम है सुनील कुमार और सुधीश कुमार। पुलिस जब डोंबिवली इनके निवास पर पहुंची तो ये वहां भी नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस ने इस ज्वेलरी शोरूम को सील कर दिया है। पहले जब शोरूम बंद हुआ था तो निवेशकों ने कर्मचारियों से बंद की वजह पूछी। जानकारी दी गई कि दो दिन शोरूम बंद रहेगा, मगर दीपावली आने के बाद भी शोरूम नहीं खुला, जिसके बाद लोगों को शक होने लगा और एक एक कर लोग शोरूम के बाहर जमा होने लगे। बताया जा रहा है कि निवेशकों के करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं। इस गुडविन ज्वेलरी स्टोर के मालिक सुनील और सुधीश केरल के रहने वाले हैं और उनके मुंबई और पुणे में करीब 13 आउटलेट हैं। रामनगर सीनियर पीआई एसपी अहल ने ये करोड़ों रुपए का मामला बताया है और अभी तक करीब 250 लोगों ने उनसे संपर्क किया है और पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कितनी रकम जमा है, और उनके बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। और शोरूम के मालिकों और मैनेजर मनीष कुंडी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।